गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और अपने सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैंने इसके पहले जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने सर्वनाम जो है वो बुक में करवाया है आपको, है ना। वचन और सर्वनाम हमने ये दोनों ही चैप्टर कर लिए हैं बुक में, यानी कि व्याकरण की किताब में हमने कर लिए हैं। लेकिन अब जो नोटबुक में आपको वर्क करना है, यानी कि आपको जो अपनी कॉपी में ये वाला काम करना है, जहां भी आप ग्रामर का वर्क करते हैं अपनी हिंदी वाली नोटबुक में, व्याकरण में जिस भी पोर्शन में, वहां पे आप ये वर्क करेंगे। ओके, पहले आपको सुमन मैम करवाती थी, वहीं पे आप ये ग्रामर का वर्क अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं आज दोनों ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 यानी पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों के जो नोटबुक में वर्क करना है वो मैं आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ, और मैं इसका पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी, तो आप ये अपनी कॉपी में कार्य जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले दिनांक लिखेंगे। ठीक है, पार्ट 6 वचन। प्रश्न 1, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप, संज्ञा क्या होती है? नाउन होती है ना, जो भी कोई नाम होता है जैसे कि, तो उससे हमें क्या, उसके रूप से, उसको पढ़ के जो हमें संख्या का पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। बेटा ये परिभाषा है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। प्रश्न 2, वचन के दो रूप कौन से हैं? तो अब हमें ये बताना है दो रूप कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कोई भी एक चीज होगी और बहुवचन में एक से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दो रूप हुए। फिर हम ये पता करेंगे कि एक वचन के उदाहरण कौन से हैं और बहुवचन के उदाहरण कौन से हैं। तो एक वचन दवाई, बहुवचन दवाइयां, आंख आंखें, घड़ी घड़ियां, बहन बहने, मछली मछलियां। ठीक है, तो ये कार्य आप अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट 7 भी बता रही हूँ, आप वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं अभी हमने पार्ट 6 कर लिया था वचन, जो कि आपको कॉपी में करना है, मैंने आपको उसे समझा दिया है। ठीक है, और अब आपको, आप क्या करेंगे, उसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे सुंदर लेखन में। अब हम करेंगे पार्ट 7 सर्वनाम। ठीक है, आप आज की दिनांक डाल लेंगे, पार्ट 7 सर्वनाम। प्रश्न 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा की जगह, जैसे कि एक बार हमने बोल दिया है कि मीरा, ओके, तो बार बार हम मीरा मीरा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उसकी जगह उसका दूसरा नाम ले लेंगे कि मीरा ने ये किया तो उसने ये किया, है ना, ऐसे हम बोलेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देन ये हो गई इसकी परिभाषा, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अब हम ये जानेंगे सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सही और अच्छे लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम सर्वनाम यूज करते हैं, जैसे कि मीरा ने, बार बार हम नहीं कहेंगे कि मीरा ने फ्रॉक सुंदर पहनी है, मीरा के हाथ में कुत्ता है, बार बार नहीं कहते हम, एक बार कह देते हैं मीरा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, फिर हम कहते हैं उसने, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है, फिर हम कहते हैं उसके हाथ में कुत्ता है ना। तो ये सारे वाक्य जब हम सर्वनाम यूज करते हैं वाक्य में या उसका उपयोग करते हैं, तो प्रयोग से वाक्य सही और अच्छे लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम के कुछ उदाहरण लिखिए। तो अब हमें इसके कुछ उदाहरण लिखने हैं, मैं, हम, मेरा, वह, आप, कौन, जिसका, उसको, तुमने, आपने, आदि, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम के उदाहरण है। ओके, तो आप आज पार्ट 6 और पार्ट 7 के दोनों ही नोटबुक वर्क जो है, जो आपकी कॉपी में आपका ये काम करना होता है, सुंदर अक्षरों में, सुंदर लेखन में लिखेंगे आप। ठीक है, इसमें कोई भी मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, और जब भी हमारी जूम की क्लास होगी, लाइव क्लास, तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी। आपको बुक में भी वो वर्क करना है जो मैंने बुक में करवाती हूँ, वो वर्क आप बुक में करेंगे, व्याकरण की बुक में, और जो काम मैं कॉपी में करने के लिए कहती हूँ वो आप कॉपी में करेंगे। तो ये वाला काम आपको कॉपी में करना है, पार्ट 6 और पार्ट 7 का। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ गुड डे।